Hello and Jain student, welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani. आज हम करने जा रहे हैं basketball. हाँ, वो जो basket में हम बॉल डालते हैं, बस हो गया ना basketball. क्या कहा? आपको इसका पूरा lesson video एक shot में चाहिए? जी, आज हम करेंगे entire basketball एक video में. तो इससे पहले एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने क्रिकेट नहीं देखा मेरा, यस मैंने क्रिकेट पे वीडियो बना रखे हैं और इवन फुटबॉल पर भी मैंने 3 पार्ट में लेसन वीडियो अपलोड कर दिया है. इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन पर भी इसके बारे में लगा दे रहा हूँ. हाँ, जाएं और ज़रूर देखें सिंपलेस्ट लैंग्वेज में विथ डायग्राम. तो चलिए, एक बात एक रिक्वेस्ट करने के साथ ही लेसन बिगिन करता हूँ और रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट है कम. तो थैंक यू, आई एम श्योर यू हैव शेयर्ड माय वीडियो. तो बिगिन करता हूं बास्केटबॉल. बॉल भी एक टीम गेम है. हाँ, ये एक टीम गेम है, टीम खेलती है. 2 टीमें होनी चाहिए इसके लिए और हर टीम में 5 यस हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं. इनका मेन मकसद होता है शूटिंग अ बॉल थ्रू अ लूप, है ना, थ्रू अ हूप. या आम भाषा में बोले एक हूप में, हूप मतलब एक बास्केट में बॉल को अंडर डालना है. यस, इनका मेन मकसद होता है. और यह बास्केट कितनी ऊंचाई पे होता है? 10 फीट की ऊंचाई पे होता है. और यह पूरा गेम एक रेक्टेंगुलर फ्लोर पे, हाँ कोर्ट कहलाता है ये रेक्टेंगुलर फ्लोर. जैसे क्रिकेट का मैदान होता है तो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है, ठीक है ना. जो बास्केट होती है जिसको हम हूप भी बोलते हैं, क्या हूप, ये दोनों एंड्स में होती है. और कोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है मिड कोर्ट लाइन. जी, कहाँ मिलेगी मिड कोर्ट लाइन? 14 मीटर के डिस्टेंस में. आइए पहले आपको सारा सिंपल रूल्स बता दें और फिर आपको बताएं. यस, तो इसमें खिलाड़ी जो होते हैं वो बॉल्स को लेते हुए ड्रिबल करते हुए बास्केट की तरफ बढ़ते हैं, पासिंग करके ड्रिबलिंग करके. और जो टीम जिसके हाथ में बॉल है और वह गोल करने के लिए बढ़ रही है वह कहलाती है ऑफेंस. ऑफेंस मतलब हमला, ठीक है, अटैक. और जो टीम जिसके पास बॉल इस समय नहीं है और वह गोल बचाने की कोशिश करती है इसे कहते हैं डिफेंस. हाँ, सुरक्षा करने वाली टीम. तो डिफेंस वाले कोशिश करेंगे कि बॉल किसी तरीके से उनके हाथों से, ऑफेंस वालों के हाथों से चुरा लें, है ना, और बॉल को स्टील कर लें या शॉट करके डिफ्लेक्ट कर लें उनके हाथ से. अच्छा, कैसे स्कोर बनते हैं इसको, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझा देते हैं. अगर एक टीम बास्केट कर देती है, बास्केट करना मतलब उस लूप में बॉल को डाल देना, उस गोल बास्केट में बॉल को पार कर देना, तो उन्हें 2 पॉइंट मिलता है. क्या हर समय 2 ही पॉइंट मिलता है? नहीं, 2 पॉइंट के लिए यस एक एरिया है जहां से आपको करना है. यस, बास्केट एक बार चला गया तो उसके बाद यह बॉल दूसरी टीम को दे दी जाती है. याद रखिएगा, एक बास्केट जिसको हम गोल भी कहते हैं या क्या बोलते हैं, फील्ड गोल, इसमें 3 पॉइंट भी मिल सकता है. कब मिलेगा? जब 3 पॉइंट आर्क के बाहर से, क्या चीज, 3 पॉइंट आर्क के बाहर से क्या किया जाए, बॉल को बास्केट में डाला जाए, तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 3 पॉइंट्स. क्या सिर्फ 2 और 3 दो ही तरह के पॉइंट्स हैं? नहीं, 1 पॉइंट भी मिलता है. 1 पॉइंट कब मिलता है? अगर कोई फ्री थ्रो हो, एक फ्री थ्रो की वैल्यू 1 पॉइंट. देखा, इस तरह से एक बास्केटबॉल में स्कोर्स बनते हैं, समझ गए, ध्यान रखेंगे. हाँ, अगर एक बास्केटबॉल का जबरदस्त कॉमेडी मैच देखना हो तो आपको ऋतिक रोशन की फिल्म, हाँ ऋतिक रोशन की फिल्म मैं बोल रहा हूँ, आपने कोई मिल गया देखी है? हाँ, उसमें ऋतिक रोशन छोटे बच्चों की टीम में होते हैं, 4 छोटे बच्चे और एक ऋतिक रोशन एक टीम में होते हैं और विलन और उसके साथी दूसरी टीम में होते हैं.
जाएं और जरूर उस बास्केटबॉल के मैच को देखें, आपको आपका बास्केटबॉल याद आ जाएगा। ठीक है, मेरे कहने पर जरूर देख लीजिएगा एक बार। हाँ, पूरी फिल्म मत देखना, टाइम आपके पास कम है। ठीक है, आओ अब थोड़ा सा और कुछ जरूर जाने। याद रखिएगा कि जो बास्केटबॉल का मैच है, यस, वो 40 मिनट का मैच है। कितने मिनट का? 40 मिनट का। और इसको चार क्वार्टर, क्या चीज, फोर क्वार्टर, 10-10 मिनट्स को एक क्वार्टर बोलते हैं। 10-10 मिनट का क्वार्टर होता है और 10-15 मिनट का इंटरवल मिलता है ठीक 20 मिनट बाद, 20 मिनट के गेम के बाद, जिसको हम हाफ टाइम कहते हैं। हाँ, जिसको हम हाफ टाइम कहते हैं, उसके बाद आपको 10-15 मिनट का इंटरवल मिलता है। याद रखिएगा, अगर स्कोर नहीं हुआ है ना, तो ओवर टाइम भी मिलेगा। कितने मिनट का ओवर टाइम मिलेगा? ओवर टाइम मिलेगा 5 मिनट का। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, आपको बताना है फुटबॉल की टीम का टोटल टाइम क्या होता है। हाँ सॉरी, फुटबॉल मैच का टोटल टाइम क्या होता है। बास्केटबॉल में तो बता दिया कि 40 मिनट्स का मैच होता है, ठीक है, जिसमें 10-10 मिनट्स के, यस, चार क्वार्टर्स होते हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, इस रूल्स के थोड़ा जानते हैं। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है कि फील्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और टीम के बारे में जान लेते हैं। दो टीमें होंगी, हर टीम में 5 खिलाड़ी होंगे और सब्स्टिट्यूट का नियम सबसे आसान है। इसमें रोलिंग सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। क्या रोलिंग? इसका मतलब एक साथ एक से अधिक सब्स्टिट्यूट खेल सकते हैं। इसका मतलब एक टीम में टोटल कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? 12। कैसे? ये 7 और ये 5। याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट्स जरूरत पड़ने पे ही फील्ड में अप्लाई। तो साइज ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट, तो साइज फिक्स है 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। ये रहा 28 मीटर, ये रहा बास्केटबॉल का लंबाई, लेंथ। तो ब्रेथ कहाँ है? ये रही आपकी ब्रेथ, ब्रेथ है 15 मीटर, फिक्स है, याद रखिएगा 15 मीटर। अच्छा, ये भी ध्यान देना है कि बास्केटबॉल, जी बास्केटबॉल में बास्केट, जी हाँ, बास्केट का बड़ा रोल है। जी बास्केटबॉल में आपने ध्यान दिया होगा कि बास्केटबॉल में एक बोर्ड लगा होता है। हाँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है, आपने देखा होगा। इस रेक्टेंगुलर बोर्ड में एक बास्केट, जिसको हुक बोलते हैं, ये लगा होता है। तो ये जो बोर्ड है, यस, ये 3 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, सिर्फ 3 सेंटीमीटर थिक होता है। जो लोअर एंड ऑफ द बोर्ड होता है, इस जिसको हम बैक बोर्ड बोलते हैं, हाँ, एक ब्लैक नहीं, बैक बोर्ड, जिस पे ये बास्केट लगी होती है, यस, इसकी चौड़ाई, सॉरी, इसका लोअर एज कितना होता है? 2.90 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, ये बास्केट कितना ऊंचा ऊपर होता है? तो जवाब है, बास्केट 10 फीट ऊपर होता है। हाँ, 10 फीट ऊपर होता है। आइए कुछ कॉमन रूल्स और भी जान ले। बॉल का सरकमफ्रेंस, मतलब आउटर रिंग जो इसको हम कहते हैं, वो कितनी होती है? 75-78 सेंटीमीटर की। बॉल का वेट कितना होता है? तो 600-650 ग्राम तक वेट होता है। कितने समय मैच चलता है? तो पहला 10 मिनट, जिसको हम फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं, मैच होने के बाद 2 मिनट का रेस्ट, फिर मैच 10 मिनट का और 10 मिनट्स का इंटरवल। इस तरह हाफ टाइम होने के बाद फिर थर्ड क्वार्टर 10 मिनट का और फिर 2 मिनट का रेस्ट। चौथा और आखिरी क्वार्टर 10 मिनट का। याद रखिएगा, चौथे क्वार्टर के बाद रेस्ट नहीं है। हाँ, रेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इंटरवल का टाइम क्या बना गया है? इंटरवल का नॉर्मली टाइम होता है 10 मिनट। याद रखिएगा, रेफरी इसे एक्सटेंड भी कर सकता है, 15 मिनट कर सकता है। कौन कौन ऑफिशियल्स हैं?
पांच ऑफिशियल्स हैं इसके अंदर, जिसमें रेफरी है, एम्पायर है, स्कोरर है, टाइम कीपर है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल 24 सेकंड ऑपरेटर। ये सारे एक एक होते हैं इस मैच में। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट की। तो मैंने बता दिया ये एक फ्लैट हार्ड और सरफेस, हार्ड सरफेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, अर्थात रास्ते में कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए। भाई खिलाड़ी दौड़ के आ रहे होते हैं, बॉल लेके पलट जाएंगे भाई, समझ गए ना। कितना बड़ा है, 28 मीटर बाय 15 मीटर लाइंस। तो जो ये जो एंड लाइंस बनाई जाती हैं, साइड लाइंस बनाई जाती हैं, हाँ, जिसको हम बाउंड्री लाइन के भाषा को कहते हैं, वो सफ़ेद रंग की होनी चाहिए और सिर्फ 5 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं अलाउड है। हाँ, बाउंड्री लाइंस याद रखिएगा, हम इनको कहते हैं एंड लाइंस एंड साइड लाइंस। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, एंड और साइड, कहाँ है एंड लाइन और कहाँ है साइड लाइन। देखिए ये लेंथ वाली साइड को कहते हैं साइड लाइन, ठीक है। ये जो लंबाई दिख रही है 28 मीटर की, ये है साइड लाइन। और यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या है, एंड लाइन। ठीक देखा आपने, एंड लाइन। एंड लाइन एक तरह से ब्रेथ वाली लाइन है और साइड लाइन दोनों तरफ है, ठीक है, साइड लाइन दोनों तरफ है, देख लिया आपने। आइए जाने, अब 2 मीटर का एरिया ऐसा होता है जहां पर, यस, 2 मीटर का एरिया चारों तरफ है ना, कितना, 2 मीटर का, यहां पर 2 मीटर तक खाली स्पेस होती है, इसको रन ऑफ कहते हैं जी, रन ऑफ, ठीक है ना। यहां पे भी कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है ना। इसमें बेंच टीम और बेंच बैठने के लिए यस लगी लगती है। अब आता है सेंटर लाइन क्या होती है, सेंटर सर्कल क्या होता है और सेमी सर्कल्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम है, सेंटर लाइन ठीक बीच में एक पैरेलल लाइन बनाई गई है, एंड लाइन के पैरेलल बनाई गई है और 7.5 मीटर लंबी, यस, ये लाइन मिड पॉइंट पे रीच कर जाती है। मिड पॉइंट कब पहुंचता है, 7.5, सर आपको कैसे मालूम, अरे भाई 15 मीटर की लंबाई है, है ना, साइड्स में, सॉरी एजेस में, और 15 का आधा कर देंगे तो ठीक 7.5 मीटर आएगा। सेंटर लाइन का मिड जो होता है वो मिड पॉइंट है, ठीक है ना। और सेंटर में एक सर्कल बनाना पड़ता है इसी मिड पॉइंट से। ये जो सर्कल बनाते हैं, यस, इसका रेडियस होता है 1.5 मीटर, ठीक सेंटर लाइन के सेंटर पर 1.8 मीटर के रेडियस का एक सर्कल, ठीक है ना। इफ द इनसाइड ऑफ द सेंटर सर्कल इज पेंटेड, अगर पेंट होगा तो सेम कलर का होगा, कौन से कलर का, जैसा कलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का होगा, ठीक है ना। हाँ, और सेमी सर्कल्स भी होते हैं इस मैच में, यस, द सेमी सर्कल्स आर मार्क्ड विद अ रेडियस ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दे आर मेजर्ड टू द आउटर एज ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड विथ देयर सेंटर, और इनसे क्या निकलता है, फ्री थ्रो लाइन निकलती है। चलो थोड़ा सा इनके बारे में भी जाने, फ्री थ्रो लाइन, रिस्ट्रिक्टेड एरिया और फ्री थ्रो रिबाउंड। सबसे पहले फ्री थ्रो लाइन, ये कहाँ मिलेगी, ये लाइन पैरेलल टू ईच लाइन कहाँ मिलेगी, फ्री थ्रो लाइन पैरेलल टू एंड लाइन मिलेगी। एंड लाइन मैंने दिखाया था जहाँ पे बास्केट लगा होता है लाइन, उस लाइन को एंड लाइन कहते हैं, है ना, जिस साइड में बोर्ड और बास्केट लगा होता है। एंड लाइन कहाँ होती है, एंड लाइन फारदेस्ट एज जो एंड लाइन का होता है वो 5.8 मीटर का होता है, ठीक है ना। और कितनी लंबी होती है, वो 3.6 मीटर लॉन्ग होती है। मैं आपको इमेज भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आता है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये जैसा नाम लिखा है, यहाँ पे इस फ्लोर पर आपको बॉल
होल्ड करके नहीं रखना है, इसीलिए नाम है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर खिलाड़ियों को 3 सेकंड से अधिक बॉल को होल्ड नहीं करना है, ठीक है ना। दीज लाइन्स यस आर रिस्ट्रिक्टेड लाइन्स एंड इस एरिया में, इनसाइड एरिया में जो पेंट लगा है, यस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो पेंट होगा वही सेम होगा सेंटर सर्कल का। याद रखिएगा, यहाँ से आपको बॉल होल्ड करने की 3 सेकंड से अधिक अलाउड नहीं है, इसीलिए इसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अब आता है फ्री थ्रो या फ्री थ्रो रिबाउंड प्लेस। ये वो प्लेस है जो रिजर्व कर दिया गया है प्लेयर्स के लिए, ताकि वो फ्री थ्रो के दौरान यहाँ पर रहें। नाम है फ्री थ्रो रीबाउंड, भाई टकरा करके बॉल वापस आएगी कि नहीं बोर्ड से, उसके लिए। अब आता है 3-point फील्ड गोल एरिया। आपको दिखा देता हूँ कि फ्री 3-point क्या होता है। तो एक टीम को 3 मार्क्स 3 पॉइंट मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? देखिए, जब ये एरिया प्लेइंग कोर्ट का, जहाँ पर क्या है 2 पैरेलल लाइंस बनाई गई हैं और 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो कि 0.90 मीटर फ्रॉम साइड लाइन से बनाई गई है। कहाँ है ये लाइन? ये रही 0.90, ये रहा, ठीक है। ये लाइन, यस ये लाइंस पैरेलल लाइंस है, है ना, साइड लाइन से 0.9 मीटर इनकी दूरी है, 0.9 मीटर, ठीक है। अब यही लाइन के बाहर, यस इसके बाहर, यहां पर है 3-point arc, ठीक, सुना 3-point arc, इसका मतलब है इसके बियॉन्ड से अगर आप गोल करते हैं तो आपको गोल मतलब बास्केट, तो आपको मिलेगा, हाँ आपको मिलेगा 3 points। आइए एक डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके एक बार आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका कोर्ट, ठीक है, ये रही आपकी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन मैंने बता दिया, रिस्ट्रिक्शन है आपको इस एरिया के अंदर रहते समय बॉल को 3 सेकंड से अधिक होल्ड नहीं करना है। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया की लंबाई आपके पास ये रही, यस मिल गया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही यस आप देख सकते हैं बास्केट और बोर्ड लगा हुआ है। ये रहा आपका बास्केट, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया बास्केट को। बास्केट के सेंटर से एक सेमी सर्कल बनाएंगे, यस इसका नाम है नो चार्ज सेमी सर्कल। क्या नाम है? नो चार्ज, क्योंकि इस सर्कल के अंदर आप चार्ज कर सकते हैं, पुल पुश कर सकते हैं। क्या किसी को गिरा देंगे जोर से? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर बाय मिस्टेक अगर आप किसी से टकरा जाते हैं तो भी आप पर फाउल नहीं लगेगा। अरे चार्ज नहीं है भाई, नाम से समझो, ठीक है, पर कब, इस कहाँ से, यस इस रेडियस के अंदर, हाँ इस रेडियस के अंदर। आइए बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा सा और जाने कि बास्केटबॉल का जो बैक बोर्ड होता है वो 1.5 मीटर चौड़ा, देखिए ऊपर लेंथ आ गई जो बास्केट का जो बोर्ड होता है, और ये रहा उसकी ब्रेथ 1.2 मीटर। और क्या होता है उस बैक बोर्ड में भी? एक बीच में एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है जिसकी थिकनेस है 0.5 मीटर, लंबाई है 0.5 मीटर और ब्रेथ है उसकी 0.45 मीटर। और इसी बोर्ड के, यस इसी बोर्ड के एज पे, यस लेंथ वाली साइड पे लगा होता है एक बास्केट। याद रखिएगा इस बास्केट में 12 लूप्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। आइए इसको थोड़ा फिर से देख लिया, ठीक है ना, इस पे 12 लूप्स लगे हैं और उसके नीचे टंगा हुआ है ये बास्केट, ये रिंग। आइए थोड़ा सा और जान ले, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया का जिसमें मैं जिक्र कर रहा था आपको,
उसकी लंबाई फिक्स है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया 5.8 मीटर एंड लाइन से होती है लंबी, ये हो गई उसकी लेंथ, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया की ब्रेथ होती है 4.9 मीटर। ठीक है, ये है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। बता दिया क्यों रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन क्या ना क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे अपोनेंट्स को 3 सेकंड से अधिक बॉल होल्ड नहीं करना है, वरना क्या होगा, फाउल मिल जाएगा भाई, फाउल हो जाएगा। ठीक है, यस। अब आप ध्यान देखिए, इस 5.8 मीटर वाली लाइन में ये स्मॉल लाइंस मार्क की गई हैं, ये दो स्मॉल लाइंस क्या रिफर करती हैं, 0.85 मीटर शो करती हैं। दोबारा देखिए 0.85 मीटर, और बीच में है न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन में कोई भी खिलाड़ी यस नहीं रहता है, मतलब न ऑफेंसिव न डिफेंसिव, ठीक है, न्यूट्रल है। यहाँ पर 0.4 मीटर की चौड़ाई दोनों तरफ होती है न्यूट्रल जोन में, न्यूट्रल समझ गए ना। और उसके नीचे फिर है 0.85 मीटर का, एंड लास्ट में 0.85 का डबल कर देंगे तो 1.75, एक मेजरमेंट एक्यूरेट और एग्जैक्ट होना चाहिए। आइए एंड लाइन, यस ये रही लास्ट में जो बनी है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये जो लास्ट में बनी लाइन है इसको हम लोग एंड लाइन कहते हैं। इस एंड लाइन से बास्केट और बोर्ड की दूरी को जाने, तो इस लाइन से बास्केट के बोर्ड की दूरी होती है 1.2 मीटर। आप देख पा रहे हैं, ये रहा बास्केट का बोर्ड, हम लोग इसको बोलते हैं बैक बोर्ड। ये बैक बोर्ड जो भी आपने देखा था, यस इस पे लगा है ये रिंग, ये रिंग का सेंटर, यस इससे बना सर्कल नाम है नो चार्ट सर्कल। क्या रेडियस है इसका, यस इस सर्कल का रेडियस है 1.25 मीटर इस सेंटर से, बास्केट के सेंटर से। ठीक है, अच्छा बास्केट कितना दूर होगा, यस बास्केट का ये सेंटर कितना दूर होगा बोर्ड से, तो इसकी दूरी बास्केट का सेंटर और बैकबोर्ड की दूरी होगी 0.35 मीटर। ठीक है, चलिए ये मेजरमेंट्स आपको ध्यान होगा आगे। तो अभी आपने देखा कि एक सेमी सर्कल और बनाया गया है जो 6.5 मीटर पर बनाया गया है, आउटर एज ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे बनाया गया, ये रहा ये है सेमी सर्कल, ये फ्री थ्रो का एरिया है। ठीक है, यस यहाँ पर है ये, इसकी डिस्टेंस है 6.75। ठीक है, अब आता है नो चार्ज सर्कल, मैंने बता दिया था नो चार्ज सर्कल हर प्लेइंग कोर्ट में यस लिमिट करता है। ठीक है ना, ये कैसे डिसाइड होता है, मैंने बता दिया था कि दो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ होती हैं जो कि 1.25 के डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से होती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा कि नो चार्ज में आप प्लेयर्स को थोड़ा सा यस लिमिटेड लेवल तक पुल पुश कर सकते हैं। थोड़ा सा टीम के बारे में जाने, तो एक टीम में 12 से अधिक खिलाड़ी नहीं होंगे, इंक्लूडिंग कैप्टन होगा, याद रखिएगा कोच एक होता है, और अगर टीम चाहे तो एक असिस्टेंट कोच भी अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है। क्या 5 खिलाड़ी यस टीम में होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 5 टीम फॉलोअर्स, यस सॉरी टीम के फॉलोअर्स 5 बैठ सकते हैं टीम बेंच में। ठीक है, ये रहा आपका वापस नेट की दूरी, यस नेट की दूरी इस एंड ऑफ द बोर्ड से, ठीक है ना, यस ये इंटरनेशनल मैचेस का बोर्ड है, ये रहा ये इंटरनेशनल है ये वाला, और ये डोमेस्टिक है। ठीक है, हम लोग इंटरनेशनल पे फोकस कर रहे हैं, ये रहा बोर्ड। ठीक है, अब आते हैं, एक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और एक प्लेयर को वापस यस गेम में वापस लाया जा सकता है। जो खेल के ऑफिशियल्स होते हैं वो बैकन मतलब होता है कॉल, वो सब्स्टिट्यूट को बुला सकते हैं
टू एंटर द प्लेइंग कोर्ट। याद रखिएगा, जब टाइम आउट होता है या इंटरवल होता है तभी सब्स्टिट्यूट आ सकता है। सब्स्टिट्यूट के लिए इस रिक्वेस्ट स्कोरर से करनी पड़ती है। यूनिफॉर्म, तो टीम गेम है तो टीम में लोग शर्ट्स पहनते हैं। शर्ट ज़्यादातर एक डोमिनेंट कलर, एक ब्राइट कलर की होती है, फ्रंट और बैक एक जैसी होती है। याद रखिएगा, शर्ट को टक करके रहना है। टक मतलब होता है शर्ट आपके शॉर्ट्स के अंदर होनी चाहिए, खुली या लूज शर्ट अलाउड नहीं है, ठीक है ना। और ऑल इन वंस अर्थात सब एक जैसे दिखाई दें, एक टीम के खिलाड़ी एक जैसे दिखाई दें, यही अलाउड है। आप अलग अलग रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। शॉर्ट्स भी जो पहनेंगे वो भी सेम डोमिनेंट कलर का पहन सकते हैं। हाँ, सेम कलर का मतलब यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के सेम कलर का है। याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट्स का कलर शर्ट के कलर से मैच करे, पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे खिलाड़ी सेम डोमिनेंट कलर का, सेम हाँ सेम चमकदार कलर का शॉर्ट्स पहने और शर्ट्स भी पहने। अगर किसी वजह से अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं शॉर्ट्स के बिलो तो वो अलाउड है, पर वो भी सेम ही, यस सेम डोमिनेंट कलर का होना चाहिए जिस रंग के शॉर्ट्स हैं। चलो कैप्टन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस टीम में जो कैप्टन होगा, यस कैप्टन तो आप जानते हैं, ये किसी भी टीम का हेड होता है। कैप्टन को कोच डिसाइड करेगा कि कौन कैप्टन बनेगा। कैप्टन अपनी पूरी टीम को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, कैप्टन एक बहुत ही कर्टियस मैनर वाला खिलाड़ी होना चाहिए, क्योंकि इसको ऑफिशियल्स के साथ वेल बिहेव करना पड़ता है, इसको गेम की इंफॉर्मेशंस ट्रांसफ़र करनी होती है, ठीक है ना। पर ये सब तब करना होता है जब बॉल डेड हो या गेम क्लॉक स्टॉप हो चुकी हो, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक कैप्टन ही हाँ इन्फॉर्म करता है रेफरी को कब, कि अगर उसकी टीम किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करे तो, किसी चीज़ का विरोध करे तो, है ना। मान लेते हैं कोई गेम में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। याद रखिएगा, कैप्टन को साइन भी करना पड़ता है स्कोरशीट में, स्कोरशीट में उसके लिए स्पेस छोड़ दी जाती है, ठीक है ना। कब, इन केस ऑफ प्रोटेस्ट, अगर वो से क्या है किसी काम का विरोध करना है, अपोज करना है। आइए फिर से देखें, तो मैंने कहा 4 10-10 मिनट्स के प्लेइंग टाइम होते हैं इसमें। इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स मिलता है पहले और दूसरे पीरियड के बीच में, और तीसरे और चौथे पीरियड के 10-10 मिनट के इंटरवल के बीच में 2 मिनट का इंटरवल मिलता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हाफ टाइम पर 10 से 15 मिनट का, हाँ 10 से 15 मिनट का क्या होता है, इंटरवल मिलता है, रेस्ट नहीं इंटरवल मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, एक इंटरवल ऑफ द प्ले बिगिंस 20 मिनट्स बिफोर द गेम इज शेड्यूल्ड टू बिगिन, यस, या व्हेन द गेम क्लॉक सिग्नल्स फॉर द एंड ऑफ द पीरियड। गेम क्लॉक जो लगी होती है वो सबके लिए कॉमन विजिबल होती है। इंटरवल कब एंड हो जाता है, जैसे ही फर्स्ट पीरियड एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड व्हेन द बॉल इज लीगली टेड बाय अ जंपर। जैसे ही ये एक खिलाड़ी, एक जंपर ने बॉल को जमीन पे टैप किया, बस गेम का इंटरवल खत्म, समझ गया ना। और यहाँ तो बॉल को क्या कर दिया गया है, बॉल टच कर जाती है लीगली दूसरे प्लेयर द्वारा थ्रो इन के बाद, ठीक है। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पीरियड तब मिलेगा 5 मिनट का अगर दोनों टीमों ने टाई कर दिया है। टाई मतलब होता है दोनों टीमों के स्कोर सेम है ना, तो उसके बाद उनको क्या मिलता है, 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अब आता है फाउल। फाउल, हाँ ज़्यादातर फाउल गेम के सिग्नल्स, गेम के टाइम का पालन न करने पे होते हैं, है ना। और एक फ्री थ्रो मिलता है ज़्यादातर फाउल करने पर, ठीक है ना। फ्री थ्रो, यस फ्री थ्रो में आपको बॉल को फ्री थ्रो मार्क लाइन से, यस भेजना होता है, शूट करना होता है। आइए गेम का बिगनिंग और एंड ऑफ द पीरियड को जाने। द फर्स्ट पीरियड बिगिंस व्हेन द बॉल इज लीगली टैप्ड। तो गेम की शुरुआत
एक जंपर से होती है जो बॉल को टैप करके स्टार्ट कर देता है। याद रखिएगा, जैसे क्रिकेट मैचों में टॉस होता है तब गेम शुरुआत होती है, इसमें बॉल को उछाल करके, जी बॉल को उछाल करके, और बाकी सब में गेम कैसे स्टार्ट होता है, बॉल को यस कोर्ट में थ्रो इन करना पड़ता है। क्या थ्रो इन? थ्रो इन के पॉइंट्स बने होते हैं कहाँ पर? साइड लाइंस पे आप दिखेंगे, थ्रो इन के निशान दिखेंगे आपको। यस, इसी थ्रो इन के पॉइंट से ही प्लेयर्स को बॉल अंदर थ्रो करनी होती है। अब आता है, द गेम कैन नॉट बिगिन इफ वन ऑफ द टीम इज नॉट ऑन द प्लेइंग कोर्ट। ठीक है ना, अभी बता, कोई है नहीं गेम खेलने के लिए, तो किससे खेलोगे? अकेले तो खेलोगे नहीं, क्योंकि ये टीम गेम है। चलिए थोड़ा बॉल के बारे में जाने। बॉल डेड और अलाइव दोनों हो सकती है। हाँ, बॉल मर जाती है क्या? नहीं नहीं, जो कर रहा हूँ पर इसका कोई मीनिंग है। बॉल अलाइव है, बॉल जिंदा है जब तक वह जंप कर रही है, जब तक एक जंपर उसको टैप कर रहा है। टैप मतलब जमीन में ठप ठप करके मारना। ड्यूरिंग अ फ्री थ्रो बॉल अलाइव है, ड्यूरिंग अ थ्रो इन बॉल अलाइव है। थ्रो इन में खिलाड़ी थ्रो इन वाले पॉइंट से बॉल अंदर फेंकता है। अब आता है डेड कब है बॉल? जब कोई फील्ड में फ्री थ्रो मिला तो बॉल डेड है, या किसी ऑफिशियल ने विसल बला दी। ठीक है ना, विसल बजते ही लाइव बॉल ही डेड हो जाती है। ठीक है ना, हाँ विसल ब्लो करते ही। और या तो ऐसा लगता है कि बॉल विल नॉट एंटर, यस बॉल विल नॉट एंटर द बास्केट ऑन अ फ्री थ्रो, तो अनदर फ्री थ्रो मिलेगा या फर्दर फ्री थ्रो या थ्रो इन मिलेगा, यही तो कुछ होगा। याद रखिएगा, जिस समय गेम क्लॉक साउंड कर जाए एंड ऑफ द पीरियड का, तो भी बॉल डेड। मतलब इस समय आप शूट करें, पास करें, क्या माना जाएगा? पास भी कर दें दूसरे खिलाड़ी को या बॉल को सीधे, हाँ बास्केट में फेंक दें, स्कोर भी नहीं माना जाएगा, पास भी नहीं माना जाएगा। या 24 सेकंड डिवाइस, यस ये भी एक साउंड सिग्नल देता है, तब टीम जिसके हाथ में बॉल है यस उसी के हाथ में रह जाती है। तो कई तरीके से बॉल डेड हो सकती है। आइए आता है गोल करना। हाँ, क्या फुटबॉल की तरह गोल करते हैं पैर से? नहीं नहीं नहीं, गोल तब माना जाएगा, यस गोल तब आपके अकाउंट में माना जाएगा जब आपने बॉल को, यस गोल को एंटर कर दिया फ्री थ्रो से। जब आप फ्री थ्रो करेंगे तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। जब आप 2 पॉइंट गोल एरिया देखना चाहते हैं, आपको दिखाता हूं, 2 पॉइंट गोल एरिया से आप गोल करेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, नाम ही 2 पॉइंट। और अगर आप 3 पॉइंट आर्क, हाँ ये गोल एरिया होती है 3 पॉइंट आर्क, इससे अगर आप या इसके बियॉन्ड से अगर आप गोल करेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो दूरी बढ़ेगी, ऐसा भी समझो बास्केट से जितना दूर से बॉल फेंकोगे उतना ज़्यादा पॉइंट मिलने की चांसेस है। सिंपल, बास्केट एरिया में ये सब चीज़ें क्लियरली डिफाइंड है। अच्छा, आफ्टर द बॉल हैज बीन टच द रिंग, हो सकता है बॉल रिंग को टच कर जाए, और ओनली फ्री थ्रो एंड इज लीगली टच बाय द ऑफेंसिव या डिफेंसिव प्लेयर, द गोल काउंट्स 2 पॉइंट। ठीक है ना, टच करके गया फ्री थ्रो में भी तो भी आपको 2 पॉइंट्स मिलेगा। क्या कोई खिलाड़ी बाय चांस, जिसको मैं कहते हैं एक्सीडेंटली, अपना ही गोल में गोल डाल सकता है? हाँ डाल देगा, तब क्या होगा? तब 2 पॉइंट मिलेंगे अपोनेंट टीम को। हाँ, और वो किसको मिलेंगे? कैप्टन को मिलेंगे, वो टीम के कैप्टन का स्कोर माना जाएगा अपोजिंग टीम के। याद रखिएगा, एक्सीडेंटली होना चाहिए, पर एक खिलाड़ी जानबूझकर अपनी टीम को हराने के लिए डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर गोल कर देता है अपने ही बास्केट में बॉल फेंक कर, इसे वॉयलेशन माना जाएगा और गोल भी काउंट नहीं होगा। याद रखिए, ऐसे खिलाड़ियों को यस मैच के बाहर का रास्ता दिखा देंगे, फाउल तो है ही। और या तो अ प्लेयर कॉज द एंटायर बॉल टू पास थ्रू द बास्केट फ्रॉम द बिलो, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है।
बॉल को कहां से फेंक रहा है? नीचे से। कभी भी अलाउड नहीं है, बॉल जब भी आनी चाहिए ऊपर से बास्केट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है? ये भी एक वायलेशन है। चलिए थ्रो इन के बारे में थोड़ा जानते हैं। हाँ, थ्रो इन क्या नाम है, यहां से बॉल अंदर फेंकते हैं। अ प्लेयर टेकिंग थ्रो इन शेल नॉट, क्या ध्यान देना है, 5 सेकंड से अधिक नहीं लगना चाहिए उसको, अपने हाथ में बॉल होल्ड नहीं करना है। दूसरा, स्टेप शेल नॉट स्टेप इन टू द प्लेइंग कोर्ट, कोर्ट के अंदर बॉल लेके नहीं आ सकता, कोर्ट के बाहर से करना है। मैंने पॉइंट दिखाया आपको, थ्रो पॉइंट, थ्रो इन पॉइंट। और क्या नहीं करना चाहिए, शेल नॉट कॉज द बॉल टू टच आउट ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है ना? आउट ऑफ द बॉन्ड मतलब होता है हाथ के बाहर का रेंज। और टच द बॉल ऑन द प्लेइंग कोर्ट बिफोर इट इज टच बाय अनदर, एक बार आपने थ्रो इन कर दिया तो आप दोबारा बॉल को तब तक होल्ड नहीं करेंगे, थ्रो करेंगे, पास करेंगे, जब तक आप किसी खिलाड़ी से पास रिसीव ना कर लें। याद रखिएगा, यहां थ्रो इन से आप बॉल को डायरेक्ट बास्केट नहीं कर सकते हैं, थ्रो इन से डायरेक्ट बास्केट अलाउड नहीं है, ठीक है? चलिए टाइम आउट की बात करते हैं। टाइम का बड़ा महत्व है इन मैचों में। यस, मुझे लगता है स्कोरर और टाइम कीपर पूरे समय परेशान रहते हैं, बिजी रहते हैं, क्योंकि हर ईच टाइम आउट शेल लास्ट टाइम आउट 1 मिनट का टाइम होता है। अ टाइम आउट मे बी ग्रांटेड ड्यूरिंग टाइम आउट अपॉर्चुनिटी। अभी टाइम अप अपॉर्चुनिटी क्या होती है, आओ बताते हैं। टाइम अप अपॉर्चुनिटी शुरुआत होती है दोनों टीमों के लिए कब, द बॉल बिकम्स डेड। याद रखिएगा, बॉल डेड अभी हमने डिस्कस किया है, तो जो गेम क्लॉक होता है उसको रोक दिया जाता है इस समय, है ना? और ऑफिशियल्स हैव एंडेड हिज कम्युनिकेशन, इस समय टाइम आउट शुरू होता है। या दोनों टीमों के लिए टाइम आउट तब शुरू होता है, द बॉल हैज बिकम डेड आफ्टर अ सक्सेसफुल लास्ट और ओनली फ्री थ्रो। फ्री थ्रो के बाद सक्सेसफुल मतलब होता है गोल हो गया है, ठीक है ना? या तो फॉर नॉन स्कोरिंग टीम को टाइम दिया जाता है टाइम आउट, ताकि वो गोल स्कोर कर सके। समझ गए? टाइम आउट अपॉर्चुनिटी उस समय खत्म हो जाती है, 1 ही मिनट तो होता ही है भाई। When the ball is at the disposal of the player for a throw in, है ना? Or a first or only free throw, इस समय time out end, ठीक है? Time out क्या और दिया जा सकता है? हाँ, 2 timeouts और दिए जा सकते हैं, ठीक है ना? पहले half में 2 और 3 timeouts second half में दिए जा सकते हैं, ठीक है ना? आगे आता है, खिलाड़ी एक दूसरे की प्लेस ले सकते हैं, जवाब है हाँ। मैंने कहा था इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एक साथ, व्हेन बोथ द टीम्स बॉल इज डेड तब कर सकते हैं, गेम क्लॉक स्टॉप है तब कर सकते हैं, और ऑफिशियल्स ने अभी कम्युनिकेशन विद द स्कोर टेबल नहीं करना है। सेम रूल होगा फिर से, जब दोनों टीम में बॉल डेड देखेंगे वही है नए प्लेयर को लाने के लिए। कॉमन पॉइंट्स हैं, यस। आगे, एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बॉल उसके पास है, थ्रो इन कर रहा है, फर्स्ट और ओनली फ्री थ्रो कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड हो जाती है यहीं पर आकर के। चलो, तो सब्स्टिट्यूट कितनी बार आ सकते हैं? मैंने कहा बार बार आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम आ सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट एंड में ही आते हैं, टाइम एंड में होना आते हैं, ठीक है ना? जैसे हम टाइम आउट कह रहे हैं। अब आता है 3 सेकंड रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई प्लेयर ओपोनेंट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया है, कौन से एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और वहां पर 3 सेकंड से अधिक बॉल अपने कंट्रोल में रखता है, लाइव बॉल है और कंट्रोल में रखता है, तो उसे हम कहते हैं 3 सेकंड फाउल। यहाँ पर 3 सेकंड रूल अप्लाई होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, अलाउंसेस मे बी पेड बाय अ प्लेयर हु मेक्स एन अटेम्प्ट टू लीव द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है ना?
यहाँ क्या सकते हैं, इट इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इसके टीममेट को यस बॉल ले ली जाती है। आइए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया से उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलने के लिए अपना दोनों पैर रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर ले जाना पड़ेगा। दूसरा रूल आता है 8 सेकेंड, जैसे 3 सेकेंड है 8 सेकेंड। अगर कोई प्लेयर जिसके पास एक लाइव बॉल है बास्केटबॉल कोर्ट में और इस टीम को बॉल को दूसरे कोर्ट में ले जाना है 8 सेकेंड के अंदर, मतलब आपको हाफ कोर्ट लाइन जिसको मुड कोर्ट लाइन कहते हैं से बॉल को उस पार ले जाना है 8 सेकेंड के अंदर। बड़ा गजब का रूल है, ठीक है ना, याद रखिएगा 8 सेकेंड पीरियड कंटिन्यू विथ एनी टाइम रिमेनिंग व्हेन द सेम टीम हैज़ प्रीवियसली हैड द कंट्रोल ऑफ द बॉल। आपके पास बॉल है, आपको बॉल को 8 सेकेंड में दूसरे हाफ लाइन को पार करना है, ठीक है ना। 24 सेकेंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। 8 सेकेंड देखा, 5 सेकेंड देखा, 3 सेकेंड भी देखा, अब 24 सेकेंड। अगर कोई प्लेयर बॉल पे कंट्रोल कर लेता है एंड हिज टीम मस्ट अटेम्प्ट टू शूट अ गोल विद इन 24 सेकेंड, मतलब अगले 24 सेकेंड के अंदर बॉल को कंट्रोल लेने के बास्केट के अंदर शूट करना पड़ेगा। कितने देर में? 24 सेकेंड के अंदर में। अब इस 24 सेकेंड को कैसे देखते हैं, कैसे गिनते हैं? द बॉल मस्ट लीव द प्लेयर हैंड बिफोर 24 सेकेंड। 24 सेकेंड से पहले आपके हाथ से बॉल चली जानी चाहिए, और एक बार बॉल चले गई प्लेयर के हाथ से बाहर तो उसको इस बार रिंग को टच करना कंपलसरी है। गोल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बास्केट हो रहा है, नहीं हो रहा है, भाड़ में जाए, 24 सेकंड के अंदर उसको रिंग को टच करना है, बास्केट के रिंग को टच करना है। एंटर करे ना करे इज डिफरेंट अटेम्प्ट। हाँ, एंटर कर गई तो आपको मिल गया बास्केट या गोल, है ना। और व्हेन अ शॉट इज अटेम्प्टेड, है ना, नियर द एंड ऑफ द 24 सेकेंड, तो क्या होगा? हो सकता है बॉल उस समय एयर में ही हो सकता है आपने अटेम्प्ट किया, बॉल एयर में हो तो, और बॉल बास्केट में चली जाए, बॉल 24 सेकंड के बाद बास्केट में चली गई, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कोई नियम नहीं टूटा। द सिग्नल शैल बी डिसरिगार्डेड, अगर सिग्नल दिया भी गया डिसरिगार्ड हो जाएगा तो और गोल मान लिया जाएगा। मतलब रेफरी ने सिग्नल दिया कि 24 सेकंड पूरे हो गए हैं, है ना, तो भी आपको गोल तो मिलेगा क्योंकि बॉल उस समय एयर में थी। अब हवा में कौन रुकेगा भाई बॉल को, चलती हुई बॉल को, और यहाँ तो बॉल ने रिंग को टच कर दिया, बॉल बास्केट में नहीं गई। 24 सेकंड की बात कर रहे हैं, याद रखना 24 सेकंड के बाद बॉल के अंदर, बाद नहीं, के अंदर बॉल बास्केट को टच कर गई, वॉयलेशन तो नहीं हुआ, है ना, और सिग्नल को भी डिसरिगार्ड कर देना है और गेम चलता रहेगा, गोल तो मिलेगा नहीं, बॉल बास्केट के अंदर कहाँ गई भाई, इस बार बास्केट के अंदर थोड़ा बॉल गई है। आओ कुछ फाउल्स के बारे में जाने। फाउल तो जानते हो, कोई गलती कमिट कर देना, जैसे आपने किसी प्लेयर को फाउल कर दिया, कॉन्टैक्ट कर दिया उसके अंदर, उसके साथ किसी अपोजिंग खिलाड़ी के साथ। याद रखिएगा बॉल डेड और लाइव दोनों समय फाउल होता है। प्लेयर को किसी को खिलाड़ी को होल्ड पुश चार्ज ट्रिप या इम्पीड रोकना नहीं है उसके आगे बढ़ने पर, है ना, अपना हाथ पैर एल्बो कंधा हिप लेग फुट उसके रास्ते में नहीं लगाना है ताकि वह गिर जाए, पेनल्टी यस। एक फाउल की वजह से यस एक फाउल की वजह से आपको आपके अपोजिंग टीम को क्या मिलेगी, एक पेनल्टी मिलेगी। इफ अ फाउल इज कमिटेड ऑन अ प्लेयर नॉट एक्ट ऑफ शूटिंग द गेम शैल बी रिज्यूम, है ना, गेम को स्टार्ट करने के लिए थ्रो इन करना पड़ता है। अगर एक ऑफेंडिंग खिलाड़ी है, अटैकिंग खिलाड़ी है, और उसकी टीम ने फाउल पेनल्टी सिचुएशन में फेस कर दिया है तो टीम फाउल पेनल्टी अप्लाई होती है।
पूरी टीम फाउल पेनल्टी, ध्यान देंगे। अ फाउल पेनल्टी, सॉरी, अ फाउल इज, इफ द फाउल इज कमिटेड ऑन अ प्लेयर, अगर एक प्लेयर से होगा, देन द प्लेयर शैल बी अवॉर्डेड नंबर ऑफ फ्री थ्रोज, कितने फ्री थ्रोज मिलेंगे। इफ द शॉट फ्रॉम द गोल एरिया, फील्ड गोल एरिया से होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा तो गोल मान लिया जाएगा, गोल भी मिलेगा, और क्योंकि दूसरे खिलाड़ी ने फाउल किया था इसे एक फ्री थ्रो और मिलेगा, डबल मजा, क्यों, क्योंकि किसी प्लेयर ने इसके साथ फाउल कर दिया है। अगर एक शॉट हुआ टू पॉइंट वाले गोल एरिया से, भले ही वो गोल नहीं गया फिर भी टू फ्री थ्रो मिलेंगे, क्यों, क्योंकि कहां पे फाउल हुआ था, टू पॉइंट फील्ड गोल एरिया, समझ गए। और यही रूल थ्री पॉइंट पे भी अप्लाई होगा, जब थ्री पॉइंट फील्ड एरिया से गोल किया गया, हो सकता है वो फाउल होने की वजह से, दूसरे खिलाड़ियों के फाउल होने से अनसक्सेसफुल हो जाए, मतलब गोल ना हो, फिर भी आपको फ्री, टीम फ्री थ्रो मिलेंगे। बड़ा मजेदार है जी, है ना। चलिए इसी तरह से 24 सेकंड के रूल को भी फाउल करने पे थ्री, टू या थ्री फ्री थ्रो अवॉर्ड दिए जाते हैं, कितने, 24 सेकंड के रूल को न पालन करने पे। डबल फाउल भी होता है क्या, हाँ हाँ, क्यों नहीं होता है। इन विच टू अपोनेंट्स कमिट पर्सनल फाउल, एक ही समय में एक ही साथ दो खिलाड़ी फाउल कर दें, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता है, पेनल्टी। तो पर्सनल फाउल शैल बी चार्ज अगेंस्ट ईच ऑफेंडर, पर्सनल फाउल होगा तो जिस ऑफेंडर ने किया उसके खिलाफ होगा, फ्री थ्रो नहीं मिलेगा पर्सनल फाउल में, ठीक है। बट इफ द सेम टाइम डबल फाउल हो गया है तो क्या होगा, तो एट लास्ट या फ्री थ्रो एक स्कोर करने दिया जा सकता है, ठीक है, फ्री थ्रो की परमिशन मिल जाएगी। आता है ड्यूटीज ऑफ रेफरी, इस गेम का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है रेफरी। रेफरी इंस्पेक्ट करता है, अप्रूव करता है सारे इक्विपमेंट्स को, खुद जांच करता है, रेफरी ऑर्डर देता है गेम क्लॉक के लिए, रेफरी 24 सेकंड डिवाइस को चेक करता है, स्टॉप वॉच को, इन सब को रिकॉग्नाइज करता है, इन ऑफिशियल्स को अलाउ करता है। रेफरी सबसे पावरफुल है, गेम बॉल को सेलेक्ट करता है, है ना, वो चाहे तो दो बॉलों में सेलेक्ट कर सकता है कि किस बॉल से गेम खेला जाए, इन केस दोनों बॉलों सही, बॉल सही नहीं है तो वो बेस्ट क्वालिटी बॉल खुद अवेलेबल को चेक कर सकता है। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी याद रखना, इज नॉट अलाउड टू वियर एन ऑब्जेक्ट विच कैन कॉज इंजरी। आपने कड़ा पहन लिया है ना, और कड़ा यू नो ना, या आपने कोई डिवाइस पहन लिया और उसको पहन के खेल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अलाउड नहीं, ये सब कौन देखेगा, कौन चेक करेगा, रेफरी। रेफरी देखेगा कि जंप बॉल जब होगी, कब, मैच के स्टार्ट में, है ना, जब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है तो रेफरी को एक जंप बॉल करानी होती है, मतलब बॉल को ठीक ऊपर उछालना होता है और दोनों टीम उसके बाद उस बॉल से खेलना शुरू करती है, और थ्रो इन के समय भी यही रेफरी अलाउ करता है थ्रो इन के लिए, ठीक है ना। रेफरी के पास पावर है गेम को स्टॉप करने का, अगर उसे लगता है कि गेम नियम से नहीं खेला जा रहा है, रेफरी चाहे तो एक टीम को फोरफीट कर सकता है, यस, गेम को रोक करके, वो स्कोर शीट पे साइन करता है गेम के एंड होने के बाद, याद रखिएगा टीम का कैप्टन प्रोटेस्ट करते के समय साइन करता है, विरोध करते समय। रेफरी का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाता है, कहीं अगर झगड़ा हो रहा हो किसी डिसीजन को लेकर के, सारे ऑफिशियल्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, रेफरी चाहे तो अपने डिसीजन में अंपायर से कंसल्ट कर सकता है, कमिश्नर से भी कंसल्ट कर सकता है, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफरी के पास पावर होता है कि वो किसी भी पॉइंट के लिए, हाँ, ऑर्डर दे सकता है, वो पॉइंट जो जिसका रूल्स नहीं है। स्कोरर का क्या काम है, अरे बाप रे, ये तो मुझे लगता है सबसे मेन आदमी है, इसका काम होता है स्कोर शीट को मेंटेन करना और एक रिकॉर्ड बनाए रखना, टीम्स का नाम एंटर करना, खिलाड़ियों का नंबर एंटर करना, और ये देखना
कि रनिंग समरी ऑफ पॉइंट्स, टैली मार्क्स नहीं होता, पॉइंट मार्क्स बताता है। समय समय पर खिलाड़ी इसको देख सकते हैं, उसको फाउल किसने खिलाड़ी ने कितना किया इसको बताना होता है, उसको ऑफिशियल्स को नोटिफाई करना होता है जब 5 फाउल हो जाए। क्यों? किसी भी एक टीम के 5 फाउल होने पे फ्री थ्रो मिलता है। एक और ख़ास बात है, अगर एक खिलाड़ी फाउल कर दे 4 बार तो उसे डिस्क्वालीफाई भी कह सकता है। कोच को भी, टाइम आउट को भी नोटिफाई करने का पावर किसके पास है? स्कोरर के पास है, और इंडिकेट करता है कितने नंबर ऑफ फाउल्स हुए हैं और ईच प्लेयर द्वारा कैसे अपने हाथ उठा करके, ताकि दोनों कोच देख सके और फाउल कितना हुआ है उसके खिलाफ। कौन कर रहा है? ये स्कोरर कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन लाने का जिम्मेदारी भी इसके हाथ में है, सब्स्टिट्यूट को फील्ड में लाने का परमिशन यही लेता है स्कोरर। स्कोरर साउंड द सिग्नल करता है कब बॉल डेड है, ठीक है ना, और कब बॉल अलाइव हो रही है, इसको साउंड देना होता है। आइए कुछ फंडामेंटल स्किल्स और टेक्निक जान लें। ड्रिबल सबसे लीगल और सबसे बेस्ट तरीका है, बिना ड्रिबल किए तो आप मैच जीत ही नहीं सकते। आगे बढ़ना है, बॉल को ओपोनेंट से बचाते हुए अपने खिलाड़ियों को पास करते हुए बास्केट तक ले जाना है। बस ड्रिबल में क्या करते हैं, हाई ड्रिबल, जिसमें बॉल को हाई अप द कोर्ट ऊंचाई में फेंक देते हैं बॉल, ठीक है। और क्या करते हैं, चेंज ऑफ पेस। चेंज ऑफ पेस में क्या होता है, आप अपने डिफेंडर को हराने के लिए अपनी बॉडी के बैलेंस से बॉल आगे बॉल पीछे, स्पीड बढ़ा घटा लेते हैं। क्रॉस ओवर में आप डिफेंडर से, जो आपसे बॉल छीनना चाहता है, याद रखिएगा जो गोल शूट करने जा रहे होते हैं वो ऑफेंडर होते हैं, है ना, तो डिफेंडर को बचाने के लिए क्या करता है, वह क्रॉस ओवर ड्रिबल करता है, ठीक है ना, बॉल को एक तरह से फ्लिक कराना अपनी बॉडी को क्रॉस करते हुए, ठीक है ना, बिटवीन द लेग्स भी कर सकता है, दो पैरों के बीच से बॉल को गुजार लेना। आई होप ये डायग्राम भी आप देख चुके हैं और देखेंगे। आइए, बिहाइंड द बैक, मतलब वो चाहे तो बॉल को अपने बैक पे ड्रिबल कर सकता है। हाँ, आजकल ये बड़ा इफेक्टिव तरीका माना गया है, बिहाइंड द बैक। नेक्स्ट, तो ड्रिबलिंग के अलावा क्या आना चाहिए, पासिंग। जैसे फुटबॉल में पास दिए बिना आप गोल ले जाते हैं तो गोल नहीं माना जाएगा, अकेला गोल तो नहीं माना जाएगा ना, तो इस तरह से बास्केटबॉल में भी रूल अप्लाई होता है। अगर एक लाइव बॉल है तो आपको दूसरे प्लेयर को, अपने टीममेट को पास करना ही पड़ेगा, चेस्ट पास। देखो नाम से समझा करो, चेस्ट पास, जब बॉल आपके चेस्ट पर होल्ड हो, लिखा है ना, बाय परफॉर्मिंग अ टू हैंडेड चेस्ट पास। चेस्ट पास में बॉल को चेस्ट के नज़दीक रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आता है बाउंस, इस समय बॉल को बॉडी पोजीशन के साथ पासिंग एक्शन को सेम रखते हैं जैसे कि चेस्ट पास पर रखते हैं, बस बाउंस में बॉल ज़्यादा हाई लिफ्ट होती है। फिर आता है बेस बॉल पास, इसमें क्या होता है, द बॉल शुड बी टेकन जस्ट बिहाइंड द हेड, कहाँ पर, बिहाइंड द हेड, लेफ्ट या राइट साइड में, ठीक है ना, पाम या फिंगर के मतलब अपने बॉल को पीछे ले जाते हैं, देखो ऐसे करके, देखा है कि नहीं, चलो देखना एक बार जरूर से। और क्या कर सकते हैं, आउटलेट पास, ये क्या होता है, कई बार आप क्या करते हो, एक बॉल रिबाउंड होके आई और एक पावर फॉरवर्ड या सेंटर द्वारा एक स्टेप अवे फ्रॉम द बास्केट लेने पर एंड थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द साइड लाइन्स, कहाँ फेंकना है बॉल को, साइड लाइन्स में, जहाँ आपका एक गार्ड उसे कैच कर लेता है, वहाँ से वो दोबारा अटैक कर सकता है, इसका नाम है आउटलेट। आउटलेट मतलब बाहर की तरफ, आप गोल के पास हो तो आप गोल कर नहीं रहे हो बल्कि गोल से दूर खड़े अपने खिलाड़ी को पास देते रहो, देखा, नाम पे जाओ, नाम पे।
रटने की कोशिश मत करो। नो लुक पास, नो लुक पास कंफ्यूज करने के लिए होता है, अपोजिट खिलाड़ी को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है इसको करने में, है ना, बट ये एक टैक्टिक है। शूटिंग अर्थात गोल डालना, बास्केट में गोल डालना। ले अप शूट, इसमें बॉल को पिक करते हैं एक साइड से एंड लेफ्ट चाहे राइट उसको पहले ड्रिबल करते हैं, बास्केट के नज़दीक ले जाते हैं एंड इफ ऑन द राइट फ्लैंक होगा यू विल ड्रिबल द बॉल टूवर्ड्स द बास्केट विथ राइट हैंड। राइट हैंड से ही करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ लेफ्ट का होता है लेफ्ट हैंड। अगर थ्री पॉइंट लाइन पे होगा, है ना, तो आपको दो जायंट स्ट्राइड लेने कर लूप तक जाना पड़ेगा। कितना? दो बड़े कदम और लूप तक, ठीक है। जंप शॉट में बॉल को होल्ड किए रखना है हाथ में, आपका हाथ स्ट्रांग होना चाहिए और आपको ट्रिपल ट्रीट पोजीशन, ठीक है ना, एक साथ हाई जंप करते हुए अपने बॉल को रिम के लेवल तक ले जाना है, सॉरी बॉल को नहीं, हेड को, एंड नी बेंट कर देना है और यहाँ से बॉल अंदर डालनी है। जंप शॉट, हुक शॉट, हुक शॉट। देखें, व्हेन यू नीड टू फेस द बास्केट साइडवेज सो दैट योर शूटिंग हैंड ड्रिबलिंग द बॉल इज फेसिंग अवे द बास्केट, दिस इज ऑल्सो द स्टांस। क्या स्टांस? टू हेल्प गार्ड द बॉल बॉल फ्रॉम द अपोनेंट्स। कई बार बॉल को रोकने के भी काम आता है हुक में। फिर आता है फ्री थ्रो, फ्री थ्रो तुम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। फिर आता है बैंक शॉट, एक ऐसा शॉट जिसमें इट हैज़ टू बाउंस ऑफ द बैकबोर्ड। जब बॉल बैकबोर्ड से टकरा के वापस आ गई है और वो बास्केट में नहीं जाती है, ठीक है ना, हम इसे कहते हैं बैंक शॉट। स्लैम डंक भी एक शॉट होता है। स्लैम डंक पे आप ठीक ऊंचा कूदते हैं और एक सफिशिएंट हैंग टाइम, कई बार इसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजिव हाई जंप। क्या क्या क्या? एक्सप्लोजिव हाई जंप। आपने फिल्मों में या यस मैचेस में देखा होगा हीरो टाइप के लोग क्या करते हैं, बास्केट को ही क्या कर लेते हैं, यस पे पहुंच जाते हैं और पूरा अपना हाथ क्या करते हैं, बास्केट के अंदर तक डाल देते हैं, बॉल सेफली अंदर चली जाती है, देखा है ना। तो डिफेंस करना भी आपको आना चाहिए। डिफेंस मतलब होता है रोकना। मैन टू मैन डिफेंस में हर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कवर करता है, एक ऑफेंस और एक डिफेंस। जोन डिफेंस, इसमें हर प्लेयर के पास अपनी एक एरिया होती है फ्लोर में जिसके अंदर वो रहता है, इस जोन के अंदर ही वो रह के अपना खेल खेलता है। कॉम्बिनेशन डिफेंस में क्या होता है, वो मैन टू मैन और जोन डिफेंस दोनों का इस्तेमाल करता है। ऑफेंस अटैक करने वाले लोग होते हैं। अर्ली ऑफेंस वाले लोग कौन होते हैं, जो डिफेंस को मौका ही नहीं देते हैं और रिएक्ट करने का और इससे पहले ही गोल कर देते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफेंस, डिफेंस को मैच जीतने का तरीका क्या है, बैलेंस करने का तरीका क्या है, ऑफेंस बन जाओ, क्योंकि हर बार आप जब बचाने की कोशिश करोगे तो एक ना एक बार गोल हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप अटैक कर दो। मोशन ऑफेंस, मोशन ऑफेंस भी एक टाइप का टेक्निक है, यस इसमें प्लेयर्स मूवमेंट करते रहते हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि क्विकनेस से कैसे बॉल को ऑफेंसिव बना दिया जाए। जोन ऑफेंस भी होता है, जैसे जोन डिफेंस होता है वैसे जोन ऑफेंस होता है। स्प्रेड ऑफेंस में क्या होता है, खिलाड़ी अलग अलग कोने में होते हैं और उनको पास मिलने पर वो मौका देखते चौका मार देते हैं। हाँ, क्रिकेट वाला चौका नहीं, यस बास्केट वाला चौका। चार पॉइंट्स नहीं मिलते हैं बट यस स्कोर तो होता है, समझाने के लिए। रिबाउंड, रिबाउंड इज द की टू विनिंग बास्केटबॉल। यस ऐसा माना गया है कि अगर आप क्या करें, इट मींस मोर पोजेशंस फॉर योर टीम, ज्यादा से ज्यादा
बॉल को आपकी टीम कब्जे में रखे। जितनी ज्यादा बॉल आपके हाथ में आएगी उतना ज्यादा आपके गोल करने के चांसेस बढ़ेंगे। डिफेंसिव रिबाउंड भी होता है, जब आप बॉल को रोकते हैं तो भी आपके पास बॉल आ जाती है, और ऑफेंसिव रिबाउंड मतलब आपने शुरुआत में ही बॉल को अपने कब्जे में ले ली है। ठीक है, एक वर्ड आता है पाइवेटिंग। पाइवेट मतलब टर्न करना, बॉडी को टर्न करना, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, बाय एनी यूजिंग एनी वन लेग एज अ सपोर्ट। देखा, डायग्राम में दिखा देता हूं, किसी एक पैर के सपोर्ट से बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न कर लेना। पाइवेट एक बहुत ही यूजफुल तरीका है ओपोनेंट से बचने का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी करते हैं और एंड अप करते हैं आज के सेशंस को। एयर बॉल मतलब एक शॉट किया गया है जो मिस हो गया है, ठीक है ना, न तो वो रिम को टच कर रहा है, न तो बैकबोर्ड को टच कर रहा है, न तो नेट को, हवा में बॉल। एली ऊप, जब एक प्लेयर जंप करे, कैच कर ले पास जो कि जाना था दूसरे खिलाड़ी के पास, ठीक है ना, इसे कहते हैं एली ऊप। ब्लॉकिंग, हाँ ये एक डिफेंसिव करने का तरीका है, हाँ ऑफेंसिव खिलाड़ी के हाथ से बॉल ब्लॉक करके ले लेना। बॉक्स आउट, व्हेन अ शॉट गोज अप, एक बॉल जो तेजी से ऊपर जा रही है बास्केट की तरफ आ रही है, एक प्लेयर क्या करता है, अपने हाथ को ऊंचा बढ़ाकर अपने हाथ से बैरियर लगाकर बॉल को रोक लेता है। बॉक्स जंप स्टॉप भी इसी तरीके से होता है, एक सिंगल जंप में कर लेता है। ब्लॉक अभी आपने जाना। कैरी, दिस पेनल्टी विच रिजल्ट्स इन अ टर्नओवर व्हेन अ प्लेयर होल्ड्स द बॉल एक्सेसिवली। याद होगा आपको अलग अलग एरियाज में अलग अलग सेकंड्स तक बॉल होल्ड करना अलाउड है। जैसे आपको याद होगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप 3 सेकंड से अधिक बॉल होल्ड नहीं कर सकते, याद है ना, कैरी हो जाएगा। चार्ज, चार्ज मतलब अटैक, जब एक ऑफेंसिव प्लेयर बॉल को लेकर नॉक हिम आउट कर देता है, ठीक है ना, एंड उसके ओवर बॉल को ले जाता है। डबल ड्रिबल भी एक टैक्टिक है, जब वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके बॉल को चलाकी से घुमाता है। फ्रंट कोर्ट, कोर्ट का 2 हिस्सा होता है, हाफ कोर्ट, जिस खिलाड़ी में ऑफेंसिव टीम है वो फ्रंट कोर्ट है। अब आता है फास्ट ब्रेक। फास्ट ब्रेक एक ऑफेंसिव अर्थात हमला करने का टेक्निक है, जब वो बॉल को क्या करते हैं, स्टील, ब्लॉक, शूट या रिबाउंड होने से बॉल लेने के बाद तुरंत क्या करते हैं, अटैक पे चले जाते हैं। स्क्रीन तो आप जानते ही हैं, है ना, बॉल को रोकना, स्टॉप करना। ट्रेवल, ट्रेवल एक तरह की पेनल्टी है, ठीक है ना, ट्रेवल पेनल्टी है, जब एक प्लेयर मूव करता है हिज और हर पाइवट फुट इलीगली, ठीक है। पोजेशन एरो, ये क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन दी टीम टर्न इन टू दी इनबाउंड बॉल टू बिगिन अ पीरियड और इन हेल्ड बॉल सिचुएशन, नाम है पोजेशन एरो। प्रेस, प्रेस मतलब डिफेंडर गार्ड कर रहा है, इसमें बॉल को गार्ड कर रहा है अपोजिंग टीम से। डबल फाउल बता दिया था, एक साथ 2 फाउल हो जाए, डेड बॉल जब बॉल अलाइव नहीं है, ठीक है ना। डंक, एक हाई जंपिंग प्लेयर बॉल को हाथ से मारकर बास्केट जाने से रोक लेता है। फेक मतलब चीट करना, डिसीव करना, किसी को पास दिखाना अचानक पर पास करना ना, फेक। फील्ड गोल आप समझ ही गए हैं, जंप शॉट भी बताने की जरूरत नहीं है। लूज बॉल, बॉल अलाइव तो है बट नॉट इन दी पोजिशन ऑफ आइदर टीम, जब तक दोनों ही टीम के बीच में नहीं है। पोजेशन मतलब बॉल को होल्ड करना। टाइम आउट, एक मिनट का समय ड्यूरिंग विच द प्ले इज स्टॉप्ड, गेम रोक चुके हैं, एंड टीम डिस्कस स्ट्रेटजी एंड अ मोमेंट टू अलाउ प्लेयर्स टू रेस्ट, ठीक है। कितना सेकेंड है,
60 सेकंड्स। जंप बॉल बता दिया था, स्टार्टिंग में टॉस करते समय रेफरी क्या करता है, जंप बॉल से गेम को स्टार्ट करता है। हाँ, मैंने बताया था फर्स्ट क्वार्टर में 10 मिनट वाले में जब पहला क्वार्टर शुरू होता है तब बताया ना, क्रिकेट के मैच में टॉस से शुरुआत होती है पर बास्केटबॉल में जंप बॉल से स्टार्ट होती है। हेल्ड बॉल मतलब बॉल को हाथ में होल्ड किए रखना, ठीक है ना। जब दोनों ही टीम नहीं होल्ड की रहेगी तो बॉल हवा में है, और व्हेन द प्लेयर मेक्स नो रियल अटेम्प्ट टू पुट द बॉल इनटू द प्ले, हेल्ड बॉल। चलिए, बैक कोर्ट अपोजिट खिलाड़ियों का कोर्ट होता है, और हैंड बॉल हैंडलर द प्लेयर विद द बॉल। आइए कुछ नेशनल और इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज के बारे में जाने। फुटबॉल की इंटरनेशनल बॉडी और नेशनल बॉडी, हमारे देश में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI 1950 में बनाया गया था, और ये हमारे देश के बास्केटबॉल को कंट्रोल करती है। ये हर साल नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है। पहला चैंपियनशिप बेंगलोर में हुआ था, पहला बास्केटबॉल का नेशनल मैच 1952 में हुआ था। तो वर्ल्ड में कौन है? हाँ, फीफा जिस तरीके से फुटबॉल की इंटरनेशनल बॉडी है, फुटबॉल मैचेस कराती है, उसी तरह से फीबा भी है। फीफा नहीं, फीबा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल, जी ये फीबा कहलाती है। ये एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल बॉडी है जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स कराती है। याद रखिएगा, इसको बनाया गया था 18 जून 1932 में। ये रूल्स रेगुलेशंस भी बनाती है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी के भी कंट्रोल करती है। रेफरीज यही अपॉइंट करती है, मैच में जो रेफरी होता है। कुछ टूर्नामेंट्स के बारे में जाने। नेशनल टूर्नामेंट हमारे देश में यूबा प्रो बास्केटबॉल लीग होती है, हमारे इंडिया में। ये बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया गया 2015 में। इसमें 8 टीम खेलती है। ये इंडिया का एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग मैच खेलती हैं, इसका हेडक्वार्टर पुणे में, ठीक है ना। फिर आता है इंटरनेशनल, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैच है फीबा। यस, मैंने कहा था बास्केटबॉल की इंटरनेशनल बॉडी। वैसे डू यू नो दी इंटरनेशनल बॉडी विच कंट्रोल्स गेम ऑफ क्रिकेट? हाँ, आपको बताना है, ये मेरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, आई विल बी वेरी ईगरली वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है। कौन बॉडी इंटरनेशनली क्रिकेट को कंट्रोल करती है, जैसे फीबा कंट्रोल करती है इंटरनेशनल मैचेस को, ठीक है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल को। तो फीबा वर्ल्ड कप भी होता है, फीबा वर्ल्ड चैंपियनशिप नाम जाना जाता है, और क्योंकि इंटरनेशनल मैच है तो ऑब्वियस बात है इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। एक और इंटरनेशनल मैच है यूरोपियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप। हाँ, इंडिया में बास्केटबॉल का इतना प्रचार नहीं है, इंडिया में क्रिकेट का फीवर है हमको लगता है ना, और गेमों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पहला फीबा यूरोपियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 1935 में खेला गया था। हाँ, विदेशों में सुनोगे बहुत सारे, यस, बास्केटबॉल के बड़े बड़े महान खिलाड़ी रहे हैं। मैजिक जॉनसन तो शायद आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं। हाँ, बास्केटबॉल प्लेयर बड़े टॉल टॉल होते हैं, हाँ, ठीक है। और कौन सा है? फीबा एशिया कप भी है ना, फीबा एशिया कप, जिसको कहते हैं फीबा एशिया चैंपियनशिप। यह हर 4 साल में एक बार इंटरनेशनल मैच कराती है ना, एशियन और ओशिनिया की टीम से, ठीक है ना। 1960 से ये मैचेस चल रहे हैं। इस तरह से बास्केटबॉल भी पूरा एक शॉट में मैंने फिनिश कर दिया। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आप है साथ और आपने मुझे दिया वचन कि आप करेंगे इसको अपने सारे फ्रेंड्स को, यस, शेयर करेंगे, तो मैं वचन देता हूं आपके सारे लेसन वीडियो, सारे आपकी प्रॉब्लम्स और लाइव सेशन भी, ठीक सुन रहे हैं, लाइव सेशन भी मेरा आपके साथ होगा। बट शर्त क्या है? आपको अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को इस लेसन वीडियोस को शेयर करना है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं बार बार? बेटा, फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं कम, और इसको बनाने में बहुत एफर्ट जो लगता है, वो एफर्ट तभी लगता है, पूरा हो रहा है, जब बहुत सारे आप जैसे प्यारे सुपरस्टार्स इसे देखेंगे, हमारी एफर्ट को, हमारी मेहनत को, यस, लगेगा कि हमने सही किया है। तो प्लीज शेयर इट, थैंक यू, एंड
मैं एंड स्क्रीन पर लगा देता हूँ और बने मेरे यस फिजिकल एजुकेशन पे वीडियो. थैंक यू एंड डू कमेंट मी योर आंसर्स एंड रिप्लाइज. बाय फ्रॉम नाउ.